हाँ, पापा ने यारो को कहा मम्मी और पापा दोनों के गर्म कपड़े सूटकेस में रखने हैं। तो यारो एक एक कपड़े को गर्म कर करके इसके अंदर रख रहा था। देखिए पापा कितना गर्म है। अरे बाप बेटा दोनों एक नंबर के ठो हैं। ए चुप कर। यारो बेटा गर्म कपड़े मतलब कपड़े गर्म करके नहीं, वो कपड़े जो सर्दी के मौसम में पहने जाते हैं ताकि ठंड ना लगे। क्या यारो बेटा मेरी इतनी अच्छी नई टी शर्ट तुमने जला दी बस। अग्रवाल साहब हम नहीं समझे। ये बात बताइए कि हमारी भाभी जी के साथ तुम इस तरह का जुल्म क्यों करने वाले थे चट्ठो वाला? अबे चतुर्वेदी ये जुल्म नहीं है। बहुत साल पहले ना ये दोनों एक दूसरे को वहीं पर मिले थे। शिमला मिर्ची बताना इसे। चतुर्वेदी अंकल, आप नीचे क्यों गिर गए? बेटा जो आदमी गिरा हुआ होता है वो हमेशा गिरा हुआ ही पाया जाता है। चुप करिए आप, समझे ना? भाभी जी
अरे भाभी जी, इनकी बोरिंग कहानी सुनना बंद करिए, हम बहुत ठोर हो चुके हैं भाई। पापा मम्मी, यारो को आप दोनों की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बताइए ना आगे क्या हुआ? बेटा आगे हुआ ये कि मुझे तुम्हारी मम्मी से प्यार हो गया, मैंने तुम्हारी माँ को प्रपोज किया और 2 दिन के बाद हमारी शादी हो गई। और अब 2 दिन के बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराए। मैं मनाली जाके इन्हें फिर से प्रपोज करूंगा और मैं कह के दोबारा से हाँ कह दूंगी। भाभी जी, फिर से आप वही गलती दोहराएंगी? अरे भाभी जी, बस बस आप एक बार अपनी नजर दौड़ा के देखिए, एक से एक ठोकरने वाले मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, इनके पास है क्या? न गाड़ी है न बंगला है, लेकिन मेरे पास माँ है। हाँ, वो भी एकदम कूल और दिमाग से एकदम हॉट। अरे बाप रे बाप, कैसी लगी चतुर्वेदी? तू भूल गया? हाँ भूल गया, तुझे सेक्रेटरी किसने बनाया था? मैंने अपना वोट देकर। हाँ, सब लोगों ने वोट दिया है? अरे लोमड़, तुम्हारे वजह से सब हुआ है। अपना ना मनहूस चेहरा दोबारा हमको दिखाना नहीं तो तुम्हारी ठोक कर देंगे। चतुर्वेदी अंकल को अपना मनहूस चेहरा नहीं दिखाना है, मनहूस है। बदतमीज कहीं का। अरे शिमला मिर्ची, तू यहाँ खड़ी खड़ी हंस क्यों रही है? अरे जाकर अपना सामान पैक करना मनाली जाने के लिए। हाँ हाँ मम्मी, करते हैं। एक किसका फोन है? अपने ट्रैवल एजेंट का ही फोन आ गया। हेलो मिश्रा जी। हाँ जी हाँ जी, हमारी तो पैकिंग हो चुकी है, तैयारियां हो चुकी है, बस आप बताइए कब निकलना है मनाली के लिए। क्या कहा? किसी फ्लाइट में टिकट अवेलेबल नहीं है? ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं मिश्रा जी? हमने सारी की सारी तैयारी कर ली है, पैकिंग कर ली है, हम तो बस अब। हेलो हेलो, बीना जी, गोवा चलते हैं, नहीं तो पांडिचेरी भी है हमारे पास। सुनिए सुनिए, अरे यारो बेटा, अब तुझे क्या हुआ? ताती कूल, यारो को बहुत बुरा लग रहा है, वो अपनी मम्मी को उदास नहीं देख सकता। कुछ भी करके मम्मी को मनाली भेजना होगा। दादी कूल, ह्यूमन को किसी ने बुलाया है, जाना होगा। ये अचानक किसने बुला लिया इसे? मैं आ गया हूं मिस्टर एक्स। मैं तो डर गया। तुझे तो आना ही था वैसे भी ह्यूमन, क्योंकि मौत जब किसी को बुलाती है तो उसे आना ही पड़ता है। लेकिन तुझे जानकर ये ताज्जुब तो जरूर हो रहा होगा ना कि आखिर मैंने तुझे ट्रेस कैसे कर लिया? तुमने जरूर मेरी फ्रीक्वेंसी को कैच कर लिया होगा। स्मार्ट। लेकिन यस, एक चीज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, ह्यूमन जब तक ना चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कोई कैच नहीं कर सकता। तो तुमने नहीं, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। धोखा, भागो। बहुत हुआ हमारे बीच में ये साइंटिफिक गिज़मोज़ एंड गैजेट्स वॉर। लेट्स स्टार्ट अ न्यू वॉर एंड ब्रिंग आउट योर कल वॉर। आज जो जीतेगा ह्यूमन, वही करेगा इस दुनिया पर हुकूमत। जो मैं दुनिया वालों पे नहीं, दुनिया वालों के दिलों पर हुकूमत करता है। तो फिर आज से तेरी हुकूमत खत्म और मेरी शुरू।
अब इस दुनिया पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी. आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा, आई एम मिस्टर एक्स. यस, आई लाइक दिस गेम पेट्रा, आई रियली लव इट. उसे वीडियो गेम में मारने से कुछ नहीं होगा बड़े, दम है तो उसे सचमुच में मार, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा तेरी हंसी खोखली ही रहेगी. मैंने कुछ नहीं किया मिस्टर एक्स. इसी बात का तो गम है पेट्रा कि तुम कुछ करती ही नहीं. तुम्हारे पास जो वक्त है ना पेट्रा, वो मेरा है और उसे तुम वीडियो गेम बनाने में बर्बाद कर रही हो. I'm sorry, Mr. X. Please don't get me wrong. ये गेम मेरे अगले प्लान का प्रीव्यू है. 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास और इन 24 घंटों में मुझे यो मैन की मौत का सामान चाहिए. वरना इतना वक्त नहीं लगेगा मिस्टर X. मेरा प्लान रेडी है. इस बार हम शहर पे इतना कहर बरपाएंगे कि मरने वाला पानी भी नहीं मांगेगा. उनकी हड्डियों में मौत की सिरहन दौड़ेगी. सिर्फ इसी पर डिपेंड रहने से काम नहीं चलेगा बड़े. फ्रेंड्स कॉलोनी में जा. मुझे पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लगता है कि योमैन का सुराग हमें वहीं मिलेगा. अंकल, अरे तुमको कोई शराब लिहाज कुछ है कि सब घोल के पी गए हो? तुम सबने क्या कहा था कि अपना ये मनु चेहरा हमको मत दिखाना, लेकिन ये चेहरा लेके तुम फिर हमारे सामने आ गए. बेटा आ तो हम तुम्हारी ठोकर के रहेंगे. चतुर्वेदी अंकल, आपको ठोकरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यारो अपना ये मनुष्य चेहरा अब आपके सामने कभी नहीं लेकर आएगा. उसी का इलाज आज वो करने आया है, लेकिन उससे पहले आपको यारो को एक बात बतानी होगी. चल चल पूछ ले, आज तेरी भी हसन हम पूरी कर देंगे. चल पूछ. आपने कहा था आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है. अरे बेटा वो तो है, होम मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक. आप सारे काम यूं चुटकियों में करा देते हैं. हाँ बेटा, हम सारे काम चुटकियों में करा देते हैं, इसमें कोई शक है क्या? अरे हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं चतुर्वेदी चिंतामणि. अरे समाज में ना हमारी बड़ी इज्जत है, आन बान और शान. नमस्कार.
अरे हमारी इतनी इज्जत है ना कि हम जिस रास्ते से गुजर जाए ना वहाँ आदमी तो आदमी, अरे कुत्ता भी पूंछ हिला के ना हमारी रिस्पेक्ट करता है एकदम ठो वाली। चतुर्वेदी अंकल, क्या फिर तो आपको यारो का एक काम करना होगा। यारो के मम्मी पापा उधर नीचे नीचे तो तब उतरेगा ना कि जब उनकी एयर टिकट होगी। पापा मम्मी फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनको मनाली जाना है। चतुर्वेदी अंकल प्लीज आप पापा मम्मी की टिकट करा दीजिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया कि हमारी भाभी बीना जी मनाली नहीं जा रही है। कराने का ना तो हम एक प्लेन है पूरी दुनिया का रिजर्वेशन करवा दें, लेकिन हम तुम्हारे बाप का नहीं करवाएंगे, एक नंबर का लंगूर है भाई। पापा को लंगूर मत कहिए। ए, लोमा, ये शुतुरमुर्ग की तरह ना अपनी गटाई नीचे मत करो। अच्छा एक बात बता, वो तू क्या करने वाला है जिससे कि हम तेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे? बता दूं? हाँ बताओ। लेकिन उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। क्या? एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। अच्छा, ले बंद कर लिया। खोलना नहीं जब तक यारो ना कहे। ठीक है। अरे ये क्या कर रहा है? ये लो मार। क्या कर रहा है? चतुर्वेदी अंकल सरप्राइज तैयार है। हेलो मार, क्या कर रहा है? आपको यारो की तो क्या, किसी की भी मनहूस शक्ल कभी नहीं दिखेगी। हेलो मार, हम तुम्हारी ठोकर देंगे। खोलना। खोल देना यार जाके। चल साथ में खोलते हैं। चल। अबे यार ये फिर आ गया पिताजी की औलाद। अरे यार ये ना बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, आज ना इसको इसके पिताजी के पास ही भेजते हैं। चल मेरे पास चल। समझा कर छोटे, कभी कभी दरवाजे से भी जाना चाहिए, नहीं तो इन लोगों को शक हो जाएगा। लेकिन ये नमूने दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? एक्सरे मोड। ये लोग तो हमारी धुलाई का प्रोग्राम बना रहे हैं छोटे। मैंने बोला था बड़े, टेलीपोर्ट होके चलते हैं। सही बोला था। टेलीपोर्ट रूम। जरूर लोमल का बच्चा इन्हीं दोनों लफंगों के पास आया होगा, अभी मैं ठोक करता हूँ इसकी। ये क्या हो रहा है मित्रों? बाहर थे ना? अरे कौन किधर है, कौन बाहर है? हम तो सुबह से हमारे कमरे के अंदर थे। ये कौन है? चेक करता हूं। अरे देखो राजू भैया हमने कुछ नहीं किया। अरे तो कुछ कीजिए मित्रों, क्योंकि अगर ये होश में आ गए तो आप दोनों से ठोकर देंगे। लेकिन हम क्या करें? एक आइडिया है हमारे पास। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.